दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड सीरीज की खबरें देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का आज चौथा दिन जारी है। एक तरह से पूरा मुकाबला रोमांचक रहा। अंत में संघर्ष करती हुई टीम इंडिया 162 रन जाकर ढेर हो गई और यह मैच 31 रन से हार गई। चौथा दिन का खेल दिनेश कार्तिक शुरुआत दिन में ही एंडरसन की गेंद पर मलान को कैच दे बैठे और इसी के साथ भारत का छठवां विकेट गिरा। अर्धशतक जमाने के बाद कोहली 51 को बेन स्टॉक्स ने LBW आउट कर दिया। मैच रिव्यू भी लिया गया था, न तो गेंद पर बल्ले संपर्क हुआ था इसलिए कोहली आउट करार दिया गया है। इसी ओवर में मोहम्मद शमी बिना खाता खोले हुए चलते बने। उन्होंने जॉन बेयरस्टो को कैच दिया था, इसके जल्द ही 9वां विकेट ईशांत शर्मा के रूप में गिरा। ऐसा रहा तीसरा दिन। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 180 रन पर ऑल आउट हो गई थी, उसे 193 रन की बढ़त हासिल हुई थी। भारत को जीत के लिए 194 रन का लक्ष्य मिला था। अब भारत को जीत के लिए 834 रन की दरकार है, तो वहीं इंग्लैंड जीतने की कोशिश है। भारत की दूसरी पारी की बात की जाए तो भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। टीम के सलामी मुरली विजय पहली पारी के भांति अपना विकेट गंवा बैठे, वो भी महज 6 रन पर। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर आउट हो गए। टीम के दूसरे सलामी बल्लेबाज धवन का हाल भी ऐसा ही रहा है, वह 13 रन के निजी स्कोर पर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर ब्रिस्टो को कैच दे बैठे। लोकेश राहुल भी पहली पारी की तरफ से इस पारी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, उन्हें बेन स्टॉक्स ने पवेलियन भेजा। वहीं रहा ने 2 रन के स्कोर पर सैम कुरनको की गेंद पर ब्रिस्टो के हाथों कैच आउट हुए, इसके आर अश्विन का आउट हो गए। बता दें कि दूसरी पारी में भारत के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 जबकि एंडरसन बेन स्टॉक्स व सैम कुरन ने 1-1 विकेट लिए। दोनों टीमों की पहली पारी। इससे पहले पहली पारी में इंग्लैंड के 287 रन के जवाब में भारत ने 274 रन बनाए। भारत की तरफ से विराट कोहली ने अपना 22वां टेस्ट शतक लगाते हुए 149 रन की शानदार पारी खेली। कोहली अपनी पारी 22 चौके लगाए थे। विराट ने की भारत की यहां से वापसी कराई थी, वह इंग्लैंड के स्कोर 13 रन से पीछे रहा। इंग्लैंड की तरफ से सैम कुरेन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, रशीद ने और स्टॉक्स को 2-2 विकेट मिले। दोस्तों क्या टीम इंडिया की हार का कारण आप किसे मानते हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।